ब्रजभूषण के बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ में इन्होंने दुर्व्यवहार किया था ब्रजभूषण ने। जो अपने बच्चों का सगा नहीं हो सकता है, जो अपने बच्चों के दोस्त के साथ ऐसी हरकतें कर सकता है, वो आदमी दूध का धुला नहीं हो सकता। तुम एक अच्छे पिता नहीं हो, ब्रजभूषण को कोट करके लिख रहा था वो। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। ब्रजभूषण को जिस तरीके से पॉक्सो एक्ट के मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है, वहीं दूसरी तरफ साक्षी मलिक की तरफ से कहा गया है कि ब्रजभूषण जो है दोषी पाए गए हैं यौन शोषण के आरोपों में। तो अब ये देखा जाएगा जिस तरीके की अभी ये स्थिति बन रही है, क्या ये सारी कश्मकश की जो स्थिति है आगे आने वाले समय में बीजेपी के लिए कन्फ्यूजन भरी स्थिति जो है वो पैदा कर देगी। क्या बीजेपी इस बात को लेकर कंफ्यूज हो सकती है आने वाले समय में कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है उनको आगे आने वाले समय में चुनाव लड़ाया जाए नहीं लड़ाया जाए, और अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी अपनी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं देती है तो क्या ब्रजभूषण जो है वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है पहले से ही अपनी दल बदल वाली राजनीति के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका गोपाल तिवारी जी। मैं कहना चाहूंगी, सबसे पहले मेरा सवाल है कि जैसे दिल्ली पुलिस की तरफ से ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी गई है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे और दिल्ली पुलिस की भूमिका के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है। दुर्भाग्य की बात इस देश के लिए है कि जिन बहनों ने अपने ऊपर हुए शोषण को लेकर के 36 दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया, अपनी आवाज उठाई, पूरे देश से समर्थन मांगा और पूरे देश ने समर्थन दिया भी, 45 दिन हो गए, करीबन आज 46वां दिन है उनके आंदोलन की गति को चलते हुए, आज भी वो कहीं ना कहीं चली रहा है, कहीं ना कहीं से आवाज़ उठ रही है, लेकिन उन बेटियों की बात को सुनने की बजाय इस पूरी सरकार ने, पूरे तंत्र ने, पूरे सिस्टम ने, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति से ब्रजभूषण को पहले दिन से बचाया गया और आज तक उसके बचाव में ये सरकार तन मन और धन से खड़ी है। क्या वाकई ऐसा है जो ये कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण को इसलिए बचाया गया क्योंकि अगर ब्रजभूषण पर आफत आती तो पूरी की पूरी जो बीजेपी पार्टी है वो लपेटी जाती और आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव है, अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है। ये तो मैं बहुत पहले से कहता था कि जो लोग हम पर ये कहते थे कि वहां जंतर मंतर की सड़कों पर बैठ करके राजनीति हो रही है, मैंने स्पष्ट किया था असल राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, असल राजनीति तो माननीय नरेंद्र मोदी के केबिन में बैठ करके हो रही है। वहां सुबह से शाम तक इस बात की गणना होती थी कि अगर हमने ब्रजभूषण को छुआ, अगर हमने ब्रजभूषण पे कार्रवाई की, अगर हम ब्रजभूषण को जेल लेकर के गए तो हमको कितने वोटों का नुकसान हो सकता है, कितनी विधानसभा हम उत्तर प्रदेश में हार सकते थे, असल राजनीति तो वहां कर रहे थे बैठ करके पहले दिन से। रही बात, आपने अपनी बात में एक सवाल का जिक्र किया कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है, उसमें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जो ब्रजभूषण को जेल की सलाखों के पीछे लेकर के जाते। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, भारत सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, गृह मंत्री अमित शाह नरेंद्र मोदी से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपने ब्रजभूषण पर जाँच की कब, जो आपको सबूत मिलते हैं। अरे जिस दिन से हमारी बहनों ने यह आवाज़ उठाई कि हमारे साथ शोषण हुआ है, शोषण करने वाला भारतीय जनता पार्टी का सीनियर सांसद है, बाहुबली है ब्रजभूषण जिसका नाम है, जिस पर तमाम पहले से आपराधिक मुकदमे चल चुके हैं। और एक बात का और खुलासा करता हूँ, ये आप मुझे बताना, देश की जनता इस बात का जवाब मुझे दे कि ब्रजभूषण 18 जून 2004 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी थी और उस खबर में एक चिट्ठी छपी थी ब्रजभूषण के बेटे की, शक्ति भूषण नाम था उसका, और वो चिट्ठी में लिखता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी शक्ति सिंह की, ब्रजभूषण के बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ में इन्होंने दुर्व्यवहार किया था ब्रजभूषण ने, और जब इस बात को उठाया तो उस लड़के को प्रताड़ित किया गया, ब्रजभूषण की आंखों के सामने उसने अपने आप को गोली मारी थी। चिट्ठी में उसने यह भी लिखा कि मेरी बहन बड़ी हो रही है, मुझे चिंता है इस बात की, पता नहीं इसके साथ क्या होगा, तुम एक अच्छे पिता नहीं हो, ब्रजभूषण को कोट करके लिख रहा था वो। और इसलिए उनके परिवार वालों ने ब्रजभूषण की बेटी का विवाह कम उम्र में करा दिया। जो अपने बच्चों का सगा नहीं हो सकता है, जो अपने बच्चों के दोस्त के साथ ऐसी हरकतें कर सकता है, वो आदमी दूध का धुला नहीं हो सकता है, ये बात आप जान लो। वो अलग बात है कि आज सत्ता में है, वो आज पावर है उसके पास, आज शासन कठपुतली की तरह उसकी उंगली पर नाचता है, और जब कठपुतली पर पूरा शासन नाचता है तो कुछ भी कर सकता है वो। ये बात तो हमने पहले दिन से कही थी कि जिस माइनर लड़की ने
आरोप लगाए ब्रजभूषण पर, उसे गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के बाद जांच पड़ताल की जाए। हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ादी के बाद कोई भी तो एक ऐसा केस मुझे बता दो जिसके ऊपर पॉक्सो की धारा लगी हो और पहले जांच पड़ताल हुई हो और बाद में गिरफ्तारी हुई हो। आज तक कोई एक ऐसा केस नहीं है। यह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में संभव है और संभव हुआ कि जांच पड़ताल चलती रही और आरोपी जो था वो बेटियों को और बदनाम करता रहा, खुलेआम मंचों से भाषण देता रहा, शक्ति प्रदर्शन करता रहा और हमारी बेटियों पर रात के 3 बजे लाठीचार्ज होती रही, सड़क पर उन्हें घसीटा जाता रहा। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का मुखिया मौन रहा और ब्रजभूषण को बचाने के लिए जो उसने अपने कदम उठाए थे उनमें वो सफल होता दिखाई दे रहा है। अभी भी वो मंचों से देखे, हमने देखा कि वो रैलियां कर रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि वो एक तरीके से अभी जिस तरीके से उन्होंने रैली की थी तो वो अपने आप को शक्तिशाली दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि देखिए आपने जो मुझ पर आरोप लगाए थे वो झूठे थे। क्योंकि उससे पहले ब्रजभूषण ने भी बोला था कि अगर आरोप सिद्ध हो जाते तो मैं फांसी पर लटकने तक के तैयार हूँ। और एक मिनट में ये भी बोलना चाहूंगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो तो खुद बोलते हैं, अपने उनके आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि रेपिस्टों को तो तुरंत फांसी दी जाएगी, ये जुर्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो वो बयान है कि रेपिस्टों को तुरंत फांसी दी जाएगी, अगर बीजेपी ऐसा करना शुरू कर दे तो ये देश बीजेपी मुक्त देश हो जाएगा। 70% से ज्यादा विधायक और सांसद ही इनके रेपिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम ऐसे आंकड़े हैं, तमाम ऐसी रिपोर्टें हैं जो सार्वजनिक हैं। भाजपा ही के तो विधायक हैं जो बैठ करके विधानसभा में पोर्न मूवी देखते हैं, इन्हीं के तो विधायक हैं जो रंगे हाथ तमाम महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणियां करते मिल जाते हैं, अभद्र व्यवहार करते मिल जाते हैं, वीडियोज वायरल हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सार्वजनिक है। प्रधानमंत्री अगर अपने शब्दों का अच्छरसा पालन कर दे तो मैं कहता हूँ कि ये देश भारतीय जनता पार्टी मुक्त देश हो जाएगा। और आप देखिए कि ब्रजभूषण, हमारी बेटियों ने तो इन पे आरोप बहुत बाद में लगाए, 2-3-4 महीने पहले लगाए। जिस व्यक्ति पर 40 से ज्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हो चुके हो, कार्रवाई चल चुकी हो, जिस पे टाडा एक्ट लगा हो, टाडा एक्ट का मतलब जानते हो, दाऊद इब्राहिम के साथियों का साथ देने वाला, तिहाड़ जेल में रह करके जो आया हो, जिस पे गुंडा एक्ट लग चुकी हो, जिस पे गैंगस्टर एक्ट लग चुकी हो, जिस पे आम एक्ट लग चुकी हो, वो आदमी समाज से भी हो सकता है क्या? वो आदमी समाज से भी तो नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूँ, आज आपके पास तख्त सत्ता है, आज आपके पास तख्त है, आज आपके पास न्यायपालिका है, पुलिस कठपुतली पर घूमती नाचती है, तो आप कुछ भी कर लो। लेकिन एक चीज याद रखना, इस देश के हुक्मरान से कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहा हूँ कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। और जिस देश में नारियों का सम्मान नहीं किया जाता, जिस देश में देश की अस्मिता का सम्मान नहीं किया जाता, आप उठा करके महाभारत देख लीजिए कि जब द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया तो मात्र 5 निर्वासित बच्चों ने लाखों करोड़ों की बड़ी कौरवों की सेना को परास्त करके धर्म की स्थापना की थी। आप रामायण उठा करके देख लीजिए, सीता का अपमान करने का प्रयास किया गया, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती तारावड़ घर दियानवाती पूरा समूल वंश नाश हो गया। और यही काम इसमें नरेंद्र मोदी के युग में किया जा रहा है। याद रखना, यह देश वो देश है जहां नारी अस्य समाजस्य, हमारे ऋषि मुनि कहते रहे, अर्थात नारी समाज का आधार होती है। और इस देश की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह से तो कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करो, मुंह से तो कहते हैं कि रेप करने वालों को फांसी पर लटका दिया जाएगा, लेकिन जो वास्तव में करते हैं वो आपके सांसद होते हैं, उनको आप बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हो, उसको गिरफ्तार करने की बजाय खुली परमिशन देते हो, जाओ भाषण दो, जाओ फिर महिलाओं का तुम अपमान करो। और माइनर लड़की जिसने किसी तरीके से बाहुबली के खिलाफ हिम्मत उठाई थी लड़ने की, आपने डरा आपने भी तो केस वापस ले लिया, आपने डरा धमका करके उसके पिता के हवाले से केस वापस करवा लिया, बयान बदलवा लिए। आप मुझे बताइए कि अगर आपके साथ कुछ हुआ होता, आप एक पत्रकार हैं, मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है आपने, आपने मुझसे ज्यादा सवाल पूछे होंगे लोगों से जाकर के, तमाम लोगों के मनों को समझने का प्रयास, आपके साथ कुछ होता, मान लीजिए आपकी बेटी होती
और नाबालिग होती है और आपने केस दर्ज कराया होता तो आपके मन में पहला क्या होता कि केस दर्ज कराते सबसे पहले आरोपी को कटघरे में बंद किया जाए। मैंने पहले भी कहा था कि वो पावरफुल है, वो ताकतवर है, जो सत्ता में रहेगा, पावर में रहेगा, तो क्यों नहीं वो प्रभावित करेगा जांच को। कोई छोटा मोटा आदमी तो था नहीं। तो आपको लगता है कि वो बयान बदलवाए गए हैं? आपको नहीं समझ में आता, आप उसके पिता के बयान पहले के उठा के देख लीजिए। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये तो गुस्से में किया गया था, लड़की गुस्से में किया गया था। लड़की का पिता स्पष्ट इस बात को कह रहा है कि मैं अकेला हूँ, मेरा भाई अर्थात लड़की का चाचा उसके खिलाफ है और लगातार वो बीजेपी के संपर्क में है, सरकार के संपर्क में है, तमाम मोटे मोटे पैसे उसको ऑफर किए गए, लगातार वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। पिता ने अपना डर व्यक्त किया कि कल को मेरे साथ कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, बेटी के साथ कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर मजबूरी में आकर एक पिता ने अपनी बेटी की सुरक्षा करने के लिए, खुद की सुरक्षा करने के लिए अपने बयानों को बदला। और हकीकत यह है कि आज भी अगर उस बेटी से जाकर के पूछा जाए और उसे इस बात के लिए आश्वस्त किया जाए कि तुम सच बताओ, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने देंगे हम, वो बेटी सच बताएगी कि हमारे साथ वास्तव में क्या हुआ है, और जो उसने पहले बताया था वही वो बाद में भी बताएगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो अभी जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं उनको दिल्ली पुलिस की तरफ से क्लीन चिट तो मिल गई है, लेकिन आप क्या एक मैं आगे की पूछना चाहूँगी कि आप क्या देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है कि क्या आने वाले समय में ब्रजभूषण शरण सिंह फिर दोबारा चुनाव लड़ते हुए नज़र आएंगे, वो भी बीजेपी पार्टी से नज़र आएंगे, या फिर वो अपना पाला जो है वो बदल लेंगे, क्योंकि वो अपनी पार्टियाँ बदलने में पहले भी माहिर रहे हैं, क्या क्या कहेंगे बताइए, बीजेपी आगे उन्हें चुनाव लड़ने देखी या नहीं? देखिए आपके मैं पहले सवाल का जवाब देता हूँ, दिल्ली पुलिस से उन्हें क्लीन चिट मिल नहीं गई है, दिल्ली पुलिस ने उन्हें पहले दिन से ही क्लीन चिट दे रखी है। जिस व्यक्ति पे जांच ही नहीं हुई हो, कोई पड़ताल ही नहीं हो, तो किस बात की क्लीन चिट? जांच तो जिन्होंने आरोप लगाए जांच तो उन पे होती रही ना शुरू से आखिरी तक, ब्रजभूषण पे तो एक दिन जांच नहीं हुई, तो क्लीन चिट दिल्ली पुलिस पहले से दे रखी थी। रही बात, हर फैसला देश की जनता लेती है, ये देश की जनता को तय करना है। आपके भी घर में बेटी होगी, आपके घर में भी बहन होगी, आपके भी घर में माँ होगी, और इस तरीके के रेपिस्ट, इस तरीके के बलात्कार, इस तरीके से यौन शोषण करने वालों का कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई समाज नहीं होता है, ये राक्षस होते हैं। ये तो आपने देखा होगा, निर्भया के केस में देखा होगा, दामिनी के केस में देखा होगा, कठुआ के केस में देखा होगा, हाथरस के केस में देखा होगा, उन्नाव के केस में देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? इनकी कोई जाति धर्म नहीं होती है। ऐसे लोग सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके, अब आप सोचिए इन बेटियों ने तो लड़ाई की शुरुआत कर दी, इस लड़ाई को जीतने का काम अब देश की जनता को करना है, और देश की जनता में भी मैं सिलेक्टिव बात करता हूँ, देश की जनता में भी इस देश के हर माँ और बाप को इस बात के लिए उठ खड़ा होना होगा, क्योंकि ये लड़ाई साक्षी मलिक, विनीत फोगाट की अकेले नहीं थी, ये लड़ाई देश की अस्मिता के साथ थी। फिर किसी देश की अस्मिता को अपनी मान सम्मान के लिए, अपनी आत्म सम्मान के लिए फिर इन सड़कों पर नहीं बैठना पड़े, फिर कोई ब्रजभूषण इसी तरीके से इनके बयान नहीं बदलवा दिए, फिर कोई ब्रजभूषण सत्ता की पावर को दिखाते हुए ये नहीं कह दे कि देखो तुमने हमारा कुछ नहीं कर पाया। इसलिए इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक ले जाना बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूँ कि जिसका चरित्र ही दल बदलू हो तो वो कुछ भी कर सकता है, और बीजेपी को इसी बात का डर था कि अगर हमने ब्रजभूषण पे कार्रवाई की तो कोई और पार्टी से संरक्षण देगी और जगह जाके चुनाव लड़ेगा, और इसीलिए बीजेपी का जो चरित्र है, बीजेपी के जो संस्कार हैं, फिर एक बार उसने अपने चरित्र और संस्कार का प्रदर्शन करते हुए इस बात का संकेत इस देश को दे दिया कि हमने कुलदीप सिंह सेंगर को भी बचाया था, हमने चिन्मयानंद को भी बचाया था, कठुआ के मामले में भी लोगों को बचाया था, हाथरस के मामले में भी लोगों को बचाया था, हमारी फितरत ऐसे बलात्कारियों को बचाना है, और इसीलिए हम ब्रजभूषण को बचा रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे हमारा। तो देखिए अभी यहाँ पर हमारे साथ गोपाल जी मौजूद थे, ब्रजभूषण को क्लीन चिट मिलने के मामले में आप लोगों का क्या कुछ कहना है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।